रसोई में ये देखिए मैंने व्रत की चटनी बनाई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए हरी धनिया थी और हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर मैंने ये स्वादिष्ट चटनी बनाई है। और इसमें मैंने इमली का पल, ये जो तीती में निकाल के रख रखा, ये मैंने वो इसमें मिक्स कर दिया। अब ये व्रत की चटनी हमारी जब भी हमको खानी हुई तो ये हमारी बन के ऐसे तैयार रहेगी। तो आप लोग भी इस तरह की ये चटनी बना सकते हैं और ये खा सकते हैं। ये बनी बनाई रहेगी तो आपको बनाने में बहुत ही, और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, मैंने खाली इमली का थोड़ा सा फल और मेरी हरी धनिया भी थी और साथ में हरी धनिया की थोड़ी सी डंठल जो थी वो भी मैंने धुल के मिक्सी में पीस के डाल दी। तो जब आपकी हरी धनिया की डंठल बचे तो आप उसे फेंके नहीं, हरी धनिया के साथ मिक्स करके इसकी चटनी बना लें तो ये आपको चटनी में टेस्ट भी अच्छा आएगा, कहीं से आपको डंठल का वो नहीं, और अच्छे से चॉप कर ले। मैंने दरदरी करी है, आपको मन हो तो आप बिल्कुल स्मूथ एकदम चिकनी चटनी हरी बना सकते, लेकिन मैंने थोड़ी सी दरदरी बनाई है। तो ये देखिए व्रत वाली चटनी, सभी लोग इस रेसिपी को एक बार बनाएं और मेरे यूट्यूब चैनल शिव परिवार रसोई रश्मि के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्रत की हरी स्वादिष्ट चटनी। ओम नमः शिवाय।